और चूंकि ये पहाड़ है, बाकी स्थान से ये थोड़ा ऊंचा है, और इस मंदिर के ऊपर झंडा हर एक मंदिर पे लगता ही है, जी तो उस समय तो ये छोटा सा एक मंदिर था, कोई नाम भी इसका नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हिंदुस्तानी। आज हम आपको लेके चलेंगे झंडे वाला मंदिर जो स्थित है दिल्ली में, और कोशिश करेंगे वहां पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए जो हम आप तक पहुंचा पाए और आपके साथ शेयर कर पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह मंदिर झंडेवालान रोड करोल बाग दिल्ली में स्थित है और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन झंडेवालान मंदिर से लगभग 1.2 किलोमीटर की दूरी पर झंडेवालान मेट्रो स्टेशन है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन झंडेवालान मंदिर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं झंडे वालन मंदिर। अभी अगर आप देखेंगे मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पे प्रॉपर पार्किंग है, यहाँ पे कार पार्किंग, और बाइक वगैरह अगर टू व्हीलर पे आते हैं तो वो आपको जस्ट मंदिर के सामने ही पार्किंग अवेलेबल मिल जाएगी। तो अगर आप इस मंदिर में आप आते हैं तो यहाँ पे पार्क करिए प्रॉपर गाड़ी और फिर यहाँ से जाइए। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की तरफ। झंडे वालन मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो झंडे वाली माता को समर्पित है। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध व देवी शक्ति का प्रतीक है। मंदिर में पूरे साल भक्त माता के दर्शन हेतु बड़ी संख्या में आते हैं। झंडे वाली माता की मूल मूर्ति मंदिर के निचले स्तर पर स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह पर सभी जाति व धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में देवी के मंत्रों का जाप दिन रात होता रहता है। मंदिर का वातावरण भक्तों के लिए सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम स्थान है। झंडेवालान मंदिर में सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, विशेषकर दुर्गा पूजा व नवरात्र के त्यौहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर को फूलों व लाइट से सजाया जाता है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के दिल और दिमाग को शांति प्रदान करता है। इस मंदिर के रह चुके ट्रस्टी श्री चंपत राय अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। इस मंदिर में आप अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं जो कि बहुत सुंदर पीतल से बनाए गए हैं। मंदिर में साफ सफाई और नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया हुआ है और मंदिर में जूते चप्पल रखना और पार्किंग की सेवा निशुल्क है। आरती का समय आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों हम झंडे वाला मंदिर के ट्रस्टी जी से बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? रविंद्र गोयल। रविंद्र गोयल जी हैं, ये मंदिर के जस्ट साथ में ये ट्रस्टी ऑफिस है सर, ट्रस्टी ऑफिस है, हाँ मंदिर का ऑफिस है ट्रस्ट का। तो हम यहाँ पे आए हैं रविंद्र जी से कुछ मंदिर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो सर ये मंदिर कब बना था, कुछ इसका आइडिया? जय माता की। जय माता की। झंडे वाले मंदिर का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन वर्तमान में जब से ये मंदिर अस्तित्व में आया तब ये लगभग कोई 150 से पौने 200 साल का समय पुराना मंदिर है। ये उससे पहले यहाँ पर ये सारा अरावली का क्षेत्र है और यहाँ पर हरे भरे जंगल होते थे और पुरानी दिल्ली जो वर्ल्ड सिटी जिसको हम कहते हैं वहाँ से लोग यहाँ सैर करने आया करते थे जी। तो यहाँ पर एक चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी थे बद्रीदास, वो भी यहाँ पर सैर करने आया करते थे और जहाँ पर ये इस समय वर्तमान मंदिर बना हुआ है यहीं कहीं वो बैठकर थोड़ी बहुत देर ध्यान लगाया करते थे। अच्छा। तो ऐसा उसमें आता है वर्णन कि यहाँ ध्यान लगाते लगाते उनको एक दो बार ऐसा कुछ आभास हुआ
कि कोई उनको ये कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो शुरू में उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार इसी तरह का आभास उनको हुआ तो उनको लगा कि कोई मुझे प्रेरणा दे रहा है कोई, कि भाई यहाँ से मुझे निकालो, धरती में कुछ ऐसा लग। तो उन्होंने यहाँ पर वो बैठते थे उसके आसपास कुछ खुदाई करवाई, तो वहाँ पर एक मूर्ति मिली, एक देवी की मूर्ति थी। तो उस लेकिन वो दबे होने के कारण से या खुदाई में हाथ उसके खंडित हो गए। तो ये बात ध्यान में आई कि भाई यहाँ कभी कोई मंदिर रहा होगा पहले कभी, तो उन्होंने इस आसपास की जगहों को उन्होंने ख़रीदा और जहाँ पर वो मूर्ति निकली थी उसको वहीं पर ही स्थापित कर दिया। लेकिन चूंकि खंडित मूर्ति के अपने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो उन्होंने ठीक उसके ऊपर एक दूसरा एक भवन बनाकर और एक नई मूर्ति स्थापित की और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। और चूंकि ये पहाड़ है, बाकी स्थान से ये थोड़ा ऊंचा है, और इस मंदिर के ऊपर झंडा हर एक मंदिर पे लगता ही है जी, तो उस समय तो ये छोटा सा एक मंदिर था, कोई नाम भी इसका नहीं था। तो दूर से लोग जब इसको देखते थे तो वो झंडे वाले मंदिर की पहचान इसकी बनती। अच्छा, ऊपर झंडे देखते तो उसी से इसका नाम पड़ा मंदिर का। तो उस समय झंडे वाला मंदिर तो धीरे धीरे वो इसी नाम से मशहूर हो गया। बाद में धीरे धीरे उन्होंने और इसके आसपास की ज़मीनें उन्होंने खरीदी बद्रीदास जी ने, फिर उनके बेटे वो इसको संभालते रहे। तो उस समय तो इसका स्वरूप काफ़ी छोटा था। 1944 में और उन्होंने इसका एक ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट को ये सारे यहाँ के ये अधिकार जो है वो ट्रस्ट को सौंप दिए जी। उसके बाद से 1944 से और ये ट्रस्ट के अधीन ये सारा काम चल रहा है। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी मान्यता बढ़ती गई, लोगों की आस्था बढ़ती गई, वैसे वैसे मंदिर का विकास भी होता गया। बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं, भवन बने हैं और भी लगातार बन रहे हैं। ये मंदिर की बाहर जो मेन रोड है देशबंधु गुप्ता रोड, वहाँ पर ये सारी ज़मीन ये मंदिर की है। अच्छा, सारी मंदिर की। लेकिन ये बहुत सारे लोग, जिस समय कोई यहाँ इतनी देखभाल करने वाला नहीं था, मंदिर का स्वरूप बड़ा नहीं था, तो अनेक लोग यहाँ पर आकर बस गए। किसी ने झुग्गियाँ डाल ली, धीरे धीरे वो पक्के मकान बना लिए। तो बहुत सारे यहाँ पर एनक्रोचमेंट है जिसको धीरे धीरे हम उसको हटवा रहे हैं, और जब ये सारी भूमि मंदिर के पास हो जाएगी तो इसका एक बड़ा स्वरूप जो है वो मंदिर का दोबारा से इसका बनेगा। अच्छा, और यहाँ पर भीड़ ज़्यादा कब रहती है, कौन से दिन रहती है हफ्ते में? क्योंकि देवी का मंदिर है इसलिए नवरात्रों के दौरान छुट्टी वाले दिन विशेषकर, या जिस दिन सप्तमी होती है, पहला नवरात्र होता है, तो उस दिन भीड़ जो है वो 50,000 से लेकर 1,00,000 तक भी पहुंच जाती है। बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। बहुत ज़्यादा रश होता है, तो हमें प्रबंध भी उसी हिसाब से हमें करने पड़ते हैं ताकि आने वाले सभी भक्तों को कम से कम समय में ठीक प्रकार से दर्शन हो जाएं, मंदिर की व्यवस्था बनी रहे। तो उसके लिए हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो मंदिर में हमने खड़ी करी हैं। मंदिर में हमारे पास लगभग 2,500 हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, जिनको हम सेवादार कहते हैं। वो बिना कुछ लिए मंदिर की सेवा करते हैं। यहीं रहते हैं वो? ना, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। जब हमें नवरात्र पे उनकी आवश्यकता होती है तब हम उनको बुलाते हैं, जब आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी सेवादार हैं जो हर रोज़ की सेवा में आते हैं, कोई एक घंटे के लिए, कोई दो घंटे के लिए, तो वो भी अपनी सेवा करते हैं। और यहाँ पे भंडारे का कैसे होता है, मंदिर की तरफ से भी होते हैं, लोग अपनी तरफ से आके करते हैं? भंडारे यहाँ पर बुक होते हैं, कोई किसी कारण से कोई यहाँ बुक करवाते हैं भंडारे, कोई जन्मदिन का, कोई वर्षगांठ का, कोई और किसी अवसर के लिए। तो जब हमारे पास बुक हो जाते हैं तो वो बढ़ते हैं, और जिस दिन कोई बुकिंग वगैरह नहीं होती उस दिन मंदिर की ओर से भंडारा बढ़ता है। सवेरे पंचामृत बढ़ता है, कितने 9 बजे तक? 9 बजे तक। कितने बजे से? 6 बजे से। ठीक है। उसके बाद फिर नाश्ते का जो होता है, चावल या खीर या हलवा चना, ये सब बटता है। दोपहर में चावल और दाल या चावल और खिचड़ी या जो भी बना होता है वो बटता है।
शाम को फिर पंचामृत या चावल, मीठे चावल या हलवा चना वो बढ़ता है, और रात को फिर वही भोजन के स्थान पर हम, और ये सब चीज़ें हम बंद डिब्बों में हम बांटते हैं। अभी कोरोना के बाद से, कोरोना के बाद से हमने बिल्कुल खुले में किसी प्रकार का को प्रसाद वगैरह मंदिर में चढ़ता भी नहीं है और खुले में हम बांटते नहीं हैं। जो कुछ भी मंदिर की ओर से बढ़ता है वो सारा पैक उसमें बढ़ता है, ताकि शुरू की कोरोना के भी गाइडलाइंस का पालन रहे हो और हाइजीनिक वो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा रहस्य या कोई चमत्कार है कोई मंदिर से जुड़ा हुआ, कोई छोटा सा कोई आपको पता हो? चमत्कार तो लोगों के अपने जीवन में बहुत सारे यहाँ सुनाते रहते हैं लोग कि कठिनाइयाँ आई, माता के सामने आकर उन्होंने कुछ अपनी अपना दुखड़ा रखा, तो ऐसे तो अनेक चमत्कार हुए हैं, लेकिन उस प्रकार के किसी चमत्कार का तो यहाँ हम कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई कोई जी। हाँ, और यहाँ पे दान दक्षिणा अगर किसी को डोनेशन देनी हो तो वो किस तरीके से दे सकते हैं? हम जो भी किसी को कुछ देना होता है, मंदिर में बहुत सारे समर्पण पात्र लगे हुए हैं, गुल्लक, वहाँ पर वो दे सकते हैं। इस समय मंदिर में कोई प्रसाद वगैरह चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो जिसको जो भी देना है वो चेक दे सकता है, कैश दे सकता है, वो उस गुल्लक में वो अपने डालते हैं। और हर 15 दिन बाद बैंक के लोग आते हैं, गुल्लक खुलती है, वहीं पर ही वो काउंट करके और हमारे अकाउंट में जमा कर देते हैं। तो मंदिर का सारा काम बड़े पारदर्शी तरीके से चलता है। मंदिर के कुछ सेवा कार्य भी चल रहे हैं, हम अपना सामाजिक दायित्व भी समझते हैं, तो हमारी 6 डिस्पेंसरियां चलती हैं निशुल्क, वहाँ डॉक्टर भी निशुल्क हैं, दवाइयाँ भी निशुल्क हैं। एक हम मेहंदी केंद्र चलाते हैं, जो ये बच्चे भीख मांगने वाले हैं, इधर उधर के गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको निशुल्क मेहंदी सिखाते हैं, और अब तक सैकड़ों बच्चे वो मेहंदी सीखकर अपना अपना काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिलाई केंद्र हमारा एक चलता है। किधर है सर ये? ये एक मंदिर हमारा जमुना पार है मंडोली में जी, तो वहाँ पर एक ये वेद विद्यालय चलता है, वहाँ पर 2 डिस्पेंसरियाँ चलती हैं। एक वहाँ पर एक कोढ़ी बस्ती है ताहिरपुर, वहाँ ये जो ये रोगी हैं वो वहाँ रहते हैं, एक हमारी डिस्पेंसरी वहाँ चलती है, और वहाँ पर एक सिलाई का स्कूल चलता है, और एक संस्कृत संवादशाला चलती है। 14 दिन का एक मान्यता प्राप्त कोर्स है वो चलता है संस्कृत संभाषण का, यानी आपको 14 दिन में संस्कृत बोलना सिखाते हैं। अच्छा। तो इसमें विदेशों से भी बच्चे आते हैं, और ये सब निःशुल्क है, उसका सारा खर्च जो है वो मंदिर उठाता है, और वहीं ये रहने की व्यवस्था उनकी होती है, इस प्रकार से चलता है। तो गरीबों की काफ़ी सेवा होती है मंदिर के थ्रू। हम अपने एक सामाजिक दायित्व समझकर, समाज के प्रति भी हमारा जो दायित्व है उसका हम पूरी तरह से निर्वाह करते हैं। देश में जब भी कभी प्राकृतिक आपदा संकट आते हैं उसमें हम भरपूर योगदान मंदिर की ओर से रहता है जी। एक हम शमशान, ये पचकुआ रोड जो शमशान है इसकी मेंटेनेंस और देखभाल हम कर रहे हैं। एक यहाँ पर पार्क हमने लिया है फैज रोड के लक्ष्मी नारायण मंदिर के, एक डीडीए का एक और पार्क है, वहाँ आधे में पार्क बना है और आधे में पार्किंग की वो सारी व्यवस्था भी है, वो मंदिर देखता है। एक हमारी गौशाला है मानेसर के पास, वहाँ पर लगभग 300 गायें हैं, उनकी हम देखभाल करते हैं, और वो सारा उसका खर्चा जो है वो सब मंदिर उठाता है। ठीक है गोयल जी, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय माता दी गोयल जी। और हम लोगों को भी बोलेंगे कि इस साइड आएँ, मंदिर की तरफ आते हैं तो कुछ दान दक्षिणा दें, क्योंकि मंदिर बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे गौशाला है मंदिर की, और पढ़ा रहे हैं लोगों को, मेहंदी सिखा रहे हैं, मतलब सबका सहायता कर रहे हैं। तो जय माता दी, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी के, सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। हम चाहेंगे कि वो झंडे वाला मंदिर आएँ, माँ के दर्शन करें, और हमारी व्यवस्थाओं को भी देखें, और उनके कुछ सुझाव हों तो हम उसके लिए भी हम उनको उनका स्वागत करेंगे। जय माता की। जय माता दी गोयल जी, धन्यवाद। दोस्तों हम अभी मंदिर के दर्शन करके आए हैं, और हमने मंदिर से प्रसाद भी लिया है, तो हमारे इस टाइम बिल्कुल खाली है मंदिर, तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। तो आपको भी हम बोलेंगे कि मंदिर आइए, माता रानी के दर्शन कीजिए,
और अगर जो बंदा नहीं आ सकता वो हमारी वीडियो में से माता के दर्शन कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी करेंगी। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।